हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का पार्ट टू, जिसको हम लोग ज्योमेट्री नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, हम लोग आज के ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर हमारा जो सिमिलैरिटी है उसका हम लोग लेक्चर नंबर आप लोग के लिए 5 लेके आ गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए, इसको सब लोग शॉर्ट फॉर्म में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी कहते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म का नाम क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल थ्योरम, ये इसका नाम है। दोस्तों, मतलब एक थ्योरम नहीं, ये एक प्रॉपर्टी है, उसको मैं प्रूफ करना आप ऐसा मान सकते हो। तो आइए, बिना किसी देरी से आज की इस वीडियो को हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग को थोड़ा बहुत आजू बाजू का भी आवाज़ आलतू फालतू थोड़ा नॉइज़ सुनने को मिलेगा, प्लीज़ दोस्तों एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को अभी पढ़ने की आपकी एज है। तो दोस्तों, आप लोग को थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, तभी दोस्तों आप एक बहुत बड़ी मंजिल मुकाम तक पहुँचोगे। अगर आप अभी से एडजस्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, खैर वो सब बात छोड़िए, हम लोग अपने कॉन्सेप्चुअल की तरफ फोकस देते हैं। देखिए, एक्सप्लेन प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। हम आज ये एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों कि जो एंगल बाइसेक्टर का जो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम थ्योरम, इसको हम एक थ्योरम भी मानते हैं। हमने देखिए यहाँ पर ट्रायंगल आप लोग के यहाँ पे बना के रखा है, ऐसे सिर्फ आप लोग का टाइम बचाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। इसका मतलब बहुत लोग को समझ में आ गया होगा पढ़ते ही पढ़ते, और बहुत लोग को नहीं भी आया होगा, तो कोई बात नहीं, उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ क्या बोला है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, मतलब एक एंगल को आप बाइसेक्ट कीजिए, मतलब उसको बाइसेक्ट कीजिए। तो आइए हम लोग एक एंगल को बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों एक मिनट आइए, हाँ इसको हम लोग बाइसेक्ट कर लेते हैं, हमने इसको कर लेते हैं बाइसेक्ट कर लिए। ओके दोस्तों, फिर क्या दिया, ट्रायंगल डिवाइड्स, आप एक ट्रायंगल को डिवाइड कर दो। तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया, द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो। देखिए इसका मतलब कि ये जो दोनों का जो साइड अपोजिट है उसको आप रेशियो में डिवाइड कर दीजिए। तो हमने एक ऐसी लाइन खींच के इसको बाइसेक्ट बीच में से करके दोनों को डिवाइड कर दिया, बचे हुए रिमेनिंग साइड्स को। यहाँ तक आप लोगों का मतलब समझ में हुआ आ गया होगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग कुछ गिवन लिख लेते हैं। अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन हो रहा है स्टार्ट, हमने यहाँ पे लिखा है गिवन, तो आइए कुछ लिखते हैं। हमें जो इसमें दिख रहा है उसी को चुपचाप लिखेंगे। तो मुझे क्या दिख रहा है दोस्तों, इन ट्रायंगल ए बी सी, आप ए बी सी ले लो, ए सी बी ले लो, कुछ भी ले सकते हो। हमें मुझे ए बी सी ट्रायंगल दिख रहा है और उसमें जो है बाइसेक्टर मुझे दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों, बाइसेक्टर दिख रहा है जो कि एंगल सी के पास है। मुझे एक बाइसेक्टर दिख रहा है जो कि एंगल सी के पास, देखिए यहाँ पे जो दो डॉट है इसको हम लोग बाइसेक्टर कहते हैं। मुझे एंगल सी के पास बाइसेक्टर दिखा, ये एंगल का साइन है दोस्तों। ओके, फिर क्या, इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन किससे कर रहा है, तो आइए देखते हैं। अ सेगमेंट ए बी इन द पॉइंट, या हम लोग मान लेते ई, क्या मान लिए दोस्तों, ई मान लिए, ये जो हमारा पॉइंट है ई है। यहाँ क्या बोला है, हमने देखिए, हम मुझे इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल दिखा ए बी सी, और उसमें एक एंगल सी है जो कि एक लाइन सेगमेंट जो है ए बी को बीच में से इंटरसेक्ट कर दिया, उसका पॉइंट का नाम है ई। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, अब आइए इसमें टू प्रूफ देखते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो आइए देखते हैं, हमें दोस्तों देखिए, हमें सिंपल सी बात है, हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए हमें प्रूफ यही करना है कि ए ई अपॉन ई बी, क्योंकि दोस्तों हमने इसको यहाँ से बाइसेक्ट किया है ना, तो हमें इसका इसको प्रूफ करना रहेगा। और इक्वल टू, और दोस्तों इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं ए सी अपॉन सी बी। देखिए इसको आप लोग दोस्तों चाहे ए सी लिखो, ए सी अपॉन सी बी लिख सकते हो, और दोस्तों इसको आप लोग सी ए अपॉन सी बी भी लिख सकते हो, सी ए अपॉन सी बी भी लिख सकते हो, इच्छा आपकी, आप किस तरीके से इसको लिखना चाहते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन के भी पार्ट हैं, हमें इसमें कंस्ट्रक्शंस करने के भी कुछ ज़रूरत है। तो आइए हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि कंस्ट्रक्शंस हम क्या करेंगे।
तो आइए एक मिनट में अपनी पेंसिल दोस्तों ले लेता हूँ। ये हमें एक लाइन दी दिख रही है दोस्तों सी। अब इसमें इसका एक नाप ले लेते हैं। इसको लेके बिना हिलाए डुलाए इसके नाप से हम इसको ले चलते हैं पॉइंट बी के पास। लेके गए अब इसको ऊपर लाइन लेके जाते हैं वो भी डॉट डॉट में क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेके गए दोस्तों ओके। ये इसी के नाप की एक मिनट में आपको फिर दिखा देता हूँ। आइए देख लीजिए ओके। इसी के है पॉइंट हमने ले लिया। अब दोस्तों जो ये वाली जो है लाइन इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं तो आइए इसको हम लोग एक्सटेंड कर दिए। अब इसको हम लोग इधर थोड़ा सा इस लाइन से इसको हम लोग इंटरसेक्ट करवा देते हैं। यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट हुआ। इसको मान लिया पॉइंट डी। हमने इसको क्या मान लिया पॉइंट डी मान लिया। तो अब आइए अब जो हमने इसको इतना हमने कंस्ट्रक्शन किया तो अब उसको यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। मुझे जो दिखा ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी ई। देखिए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल मतलब ये जो सी ई जो है सी ई का जो ये लाइन है दोस्तों इसी के पैरेलल ही क्या हुआ है फिर पासिंग थॉट द पॉइंट बी एक्सटेंड ए सी इज सो हैज इन टू इंटरसेक्ट इट एट एक मतलब सो एट एट पॉइंट डी। देखिए हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया हमने उसी को मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी जो ये जो रे सी है उसके पासिंग थ्रू पॉइंट डी उसी के दोस्तों जो पास के जो पॉइंट है डी है उसे हमने क्या किया एक्सटेंड ए सी। हमने दोस्तों उसको एक्सटेंड कर दिया। क्यों किया हमने इसका पैरेलल ही लिया ऐसे किया और जो ए सी थी जो इसके सामने से हमने देखो इसको ऐसे एक्सटेंड करते हुए ऊपर लेकर चले गए तो उसमें कोई दिक्कत है हमने गलत काम नहीं किया। फिर सो हैज टू इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी इसको इंटरसेक्ट हम लोग किए दोस्तों पॉइंट डी के ऊपर। यहाँ तक समझ में आया मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा दोस्तों। अगर नहीं आया है कहीं भी डाउट हो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछो जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ दोस्तों। प्रूफ हम लोग प्रूफ यहाँ से करना शुरू कर रहे हैं। देखिए हम लोग दोस्तों प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये जो लाइन सी ई है हम लोग इसको यहाँ से प्रूफ करते हैं। रे सी ई जो है वो पैरेलली है रे बी डी के साथ। ये जो लाइन सी ई है वो बी डी के साथ दोस्तों पैरेलल है ओके। एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल और दोस्तों जो ए डी है ट्रांसवर्सल आप बोलोगे कैसे लिखे दोस्तों। देखो आप लोग नाइन्थ स्टैंडर्ड में एक कंसेप्ट पढ़े होंगे ट्रांसवर्सल नाम का कंसेप्ट था उसमें कुछ ऐसा होता था। एक मिनट देखिए अभी दोस्तों मैं अपने हाथ बता रहा हूँ। ये दो अगर सपोज मान लीजिए है लाइन है अगर इसके बीच से अगर कुछ ऐसा मतलब चला गया तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल मानते थे। तो ऐसा यहाँ पे भी बताया गया हुआ है कि जो ए डी है ए और डी एक ट्रांसवर्सल है एक्चुअली दोस्तों। हाँ ए डी एक ट्रांसवर्सल ही है। तो अब आइए आके देखते हैं। फिर एंगल ए सी ई फिर एंगल सी डी बी ये हम लोग कैसे लिखे दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल क्योंकि आपको यहाँ पे रीज़न देना बहुत ज़रूरी है। अगर रीज़न नहीं देंगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। रीज़न करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। कौन सा इक्वेशन है फर्स्ट हमने इसको कैसे लिखा देखिए ए सी ई और सी डी बी करस्पॉन्डिंग एंगल क्योंकि आप लोग देखिए ये साइड और ये साइड दोनों दोस्तों एक करस्पॉन्डिंग ही एंगल के साइन दिख रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स ओके। अब आगे देखते हैं इसको। फिर हम लोग ले लेते हैं नाउ टेकिंग बी सी इज ट्रांसवर्सल। अब बी सी इज ट्रांसवर्सल हमारे जो बी सी है ए बी और सी ए बी एक ट्रांसवर्सल ही है तो इसको को कैसे लेंगे एंगल
ई सी बी इक्वल टू एंगल सी बी डी, इसको हम लोग मान रहे हैं दोस्तों। इसका हमारा जो इक्वेशन टू है, इसका हमारा जो रीज़न है ये है अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल ये हमारा जो रीज़न है इसका दोस्तों, अल्टरनेटिव एंगल। देखिए कैसे ई सी बी, ई सी बी, सी बी डी, सी बी डी। तो दोस्तों आप लोग ये देखिए, ये कुछ आप लोग को जेड प्रकार में देखिए, देखो ये देखिए ए से सी, सी से बी, बी से डी, ये क्या हो गया जेड हो गया। अगर दोस्तों कोई भी चीज़ जेड हो जाता है तो उसका ए एंगल और ए एंगल अल्टरनेटिव एंगल हम लोग उसको कहते हैं। आप लोग पिछले साल इसको पढ़े हैं क्लास नाइन्थ में। ओके, इक्वेशन टू हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। ओके, अब आगे हम लोग बट एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई बराबर एंगल ई सी बी। ओके दोस्तों, ए सी बी बराबर ई सी बी, एक इक्वेशन हमारा थर्ड रहेगा। ये हमने कहाँ से लिया, तुमने ले लिया गिवन में। हमने कहाँ से लिया, गिवन में लिया हमने इसको, गिवन से लिया जो कि हमें ऊपर क्वेश्चन में दे के रखा, आप लोग देख लो। फिर आगे हम लोग इसको ले लेंगे दोस्तों, फॉर्म इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। हम लोग दोस्तों तीनों इक्वेशन को एक में लेके आ रहे हैं। अगर दोस्तों आप तीनों इक्वेशन को एक में लेके आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ कैंसिलेशन भी देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं क्या है। हम लोग पहले इक्वेशन लिखते हैं एंगल ए सी ई इक्वल टू एंगल सी डी बी। इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये था। फिर इक्वेशन टू क्या, एंगल ई सी बी इक्वल टू एंगल सी बी डी। इक्वेशन नंबर टू है दोस्तों हमारा। फिर इक्वेशन थर्ड क्या था हमारा, एंगल ए सी ई इक्वल टू एंगल ई सी बी, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है। ओके दोस्तों, इसमें आप लोग को कुछ सेम दिख रहा है क्या, मुझे तो दिखा है। देखो क्या, एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई कट गया, एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी का कट गया। हमने इस चीज़ को दोस्तों काट कर निकाल दिया, तो हमारे पास अब बचा क्या वो देखते हैं। हमारे पास जो बचा है दोस्तों, एंगल सी बी डी इक्वल टू एंगल सी डी बी, मुझे ये बचा एंगल सी बी डी और सी डी बी। हमने कॉमन कॉमन चीज़ों को काट दिया। अगर आप दोस्तों चाहो तो आप लोग इस तीनों को स्किप करके ये डायरेक्ट लिख के ये भी आप लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। अगर आप इसको लिखेंगे तो दोस्तों आपके टीचर के और आपके जो एग्जामिनर रहेगा उसके उसके मन के अंदर आपके लिए एक अलग रिस्पेक्ट होगी कि हाँ बच्चे ने खुद से कंसेप्चुअल एकदम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके दिया कि मैंने कैसे लिखा। इससे ये एक बेनिफिट है। अब दोस्तों बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट लगेगा आपका, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पेज के ऊपर, वो पेज हमारा फुलफिल हो गया। फिर हम लेते हैं इंट्रेंगल सी बी डी साइड सी बी पैरेलल, सॉरी पैरेलल नहीं, इक्वल साइड सी डी। ये देखो यहाँ पे देखिए, हमारा एक जो ट्रायंगल था, एक आप लोग को दोस्तों फिगर दिखाता हूँ। ये जो ट्रायंगल है सी बी डी हमने माना है, सी बी डी जो इसका जो सी बी है वो सी डी के साथ क्या है, सॉरी यहाँ पे एक कॉन्ग्रेंट रहेगा, इक्वल टू नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा दोस्तों, कॉन्ग्रेंट रहेगा। हम लोग 9th स्टैंडर्ड में इसको पढ़े। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऐसा स्टेटमेंट आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या स्टेटमेंट है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। स्टेटमेंट है साइड्स अपोजिट, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट, टू कॉन्ग्रेंट एंगल्स। हमारा दोस्तों इस तरीके से आपको लिख के दिखाना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग को आजू बाजू की कुछ बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, आप लोग उसको स्किप करते चलिए, मैं अभी अभी आपसे यही बोलूँगा। आगे चलते हैं, फिर सी बी इक्वल टू सी डी इक्वेशन फोर्थ। हमारा इक्वेशन फोर्थ बना, क्योंकि जब इधर कॉन्ग्रेंट है तो इधर इसको हम लोग एक दूसरे से बराबर मान सकते हैं दोस्तों। सी बी जो है वो सी डी के बराबर है। फिर आगे ले लेते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी सेगमेंट ई सी पैरेलल है सेगमेंट बी डी के साथ। ये हमें कहाँ से मुझे मालूम पड़ा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन से मालूम पड़ा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए
हमने दोस्तों कंस्ट्रक्शन में क्या माना था कि जो ईसी की जो लाइन है वो बीडी से पैरल है, बस हमने वही यहाँ पे लिखा है दोस्तों और कुछ नहीं किया, उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। अब आगे का देखते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरा क्या हुआ, मेरा मोबाइल का मेमोरी कार्ड फुल हो गया, इसके लिए इतना चीज़ मैं रिकॉर्ड किया लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, मैं उसको इसने बताया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसको आप समझ लीजिए कैसे। मैंने यहाँ तक उसमें एक्सप्लेन करके दिया था। इसमें देखिए, हमने AEEB और ACCC जो CD क्वेश्चन नंबर 5 माना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इसको मान लिया। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 4th एंड 5th को दोनों को कर दिया, आपस में मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने के बाद हमने इक्वेशन 4th 5th किया, तो हमें क्या मिला, AE/EB इज इक्वल टू AC/CB, हैंस प्रूफ। हमने यहाँ पे इसको दोस्तों प्रूफ कर दिया, आप लोग ये देख लेना दोस्तों। अभी आप लोग कोई ये कमेंट मत करना कि आपने कैमरा बंद करके डाइजेस्ट कॉपी करके लिखा, तो दोस्तों नहीं, वो क्या हुआ, मैं मेमोरी कार्ड फुल हो चुका था, तो इसलिए ऑटोमेटिक कैमरा स्टॉप हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था। अब आइए दोस्तों, एक बार मैं इसको आप लोग को रिवाइज करवा दूँ। ये हमारा था, हमने इसको ऐसे किस तरीके से इसका गिवन लिखा, टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन। अगर दोस्तों आप लोग को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में अपना जब आपको फ्री टाइम मिलेगा तो आप लोग अपने हिसाब से अपने रफ बुक फेयर बुक में या तो जो आपका नोट्स होगा उसमें आप लोग लिख सकते हैं। मैं कंस्ट्रक्शन नॉलेज अपने तरफ से देने की कोशिश किया हूँ। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, या तो इस डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ भी जाके आप हमसे अपना डायरेक्ट कोई भी सवाल पूछ सकते हो। हम आपको वहाँ रिप्लाई देने की 100% कोशिश करेंगे दोस्तों, और आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हो, हम रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोग बाकी के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, देख सकते हो कि हमने उसमें हम लोग उसमें BPT थ्योरम को प्रूफ किया है, कन्वर्स और BPT को हमने प्रूफ किया, तो आप लोग जाके बिंदास देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखिए। अब दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।